हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भूमि का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक्कु स्टडी पर। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए आपके लिए है 12th क्लास के लिए कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, आपको इन पर काम करना है। तो ये देखिए, पहले हमारे चार इम्पोर्टेंट जो चार जो काम है उन पर सबसे पहले ध्यान देना है हमको। तो उसमें पहला जो है, अगर अब तक कोई भी गोल या फिर एम नहीं बनाए, मतलब आपने कोई भी गोल या एम सेट नहीं किया है कि हमें इतने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, तो प्लीज उसको पहले सेट कीजिए। और जहां भी आप पढ़ते हैं वहां आपको एक पेपर पर लिख के बड़ा बड़ा उसको चिपका लेना है। और इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर देना है कि आपका गोल या एम कितने तक का है। ओके, अब घर पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल या कोचिंग में पढ़ के आ गए तो आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, आपको घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। ओके, आखिर अभी तक आपने क्यों नहीं पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब अभी आपको दिमाग, मतलब ये सोचना है, ये ध्यान लगाना है कि 3 महीने निकल गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी निकल गए, अब तो 4 महीने हो गए। अभी अब तक आपने पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं की, या आपको ये टॉपिक इस जो भी वजह हो ना उसकी, तो उस वजह को अपने लाइफ से थोड़ा दूर कर दे, थोड़ा नहीं बहुत दूर कर दे। ओके, और आपको क्या करना, अब तो देखिए अभी थोड़ा लेट हो चुके हैं, थोड़ा ही लेट हुए हैं, ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। तो अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। और हार्ड वर्क भी करना है, अभी आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके, जहां हार्ड वर्क की जरूरत हो वहां हार्ड वर्क, जहां स्मार्ट वर्क की जरूरत हो वहां स्मार्ट वर्क। ओके, अब आने वाले जो 150-200 दिन है ना, वो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि सब लोगों को पता है, आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम मतलब 12th क्लास के ही जो मार्क्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये जो दिन है ना, मैंने आपको दिखाए 150-200 दिन है, ये आपके लिए लाइफ के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। ओके, अभी देखिए आपको क्या करना है, डेली तो क्लासेस लेनी है स्कूल में, कोचिंग में, जो अभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लासेस लेते हैं वो आपको डेली लेनी है। ओके, और आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से शुरू करें, तो आपने क्या करना है, स्कूल में, कोचिंग में, आपकी जो भी टॉपिक्स या चैप्टर चल रहा है आपको वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं करना कि हमारा तो पीछे का छूट गया, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो वो आगे वाला भी हमारा छूट जाता है। अगर आप साथ के साथ चलोगे ना टीचर्स के साथ कि ये वाला चल रहा है, टीचर्स ये वाला पढ़ा रहे हैं तो हम ये वाला पढ़ेंगे, तो साथ के साथ वो तो सब्जेक्ट मतलब वो सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं, जो पीछे वाला रह जाता है वो आप रिवीजन में कर सकते हो। ओके, ये मैंने बता दिया, बैकलॉग जो भी पीछे रह गया है उसके लिए हमने क्या करना है, बाद में जब रिवीजन करेंगे उसको तब पढ़ लेंगे, तब भी टाइम बचेगा। और सबसे मतलब क्या करना है हमें कि इम्पोर्टेंट भी ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है उसको साइड में एक कॉपी बना लें, उसमें आप क्वेश्चन को लिखते जाएं और कैसे कैसे उसको करना है ये भी। ओके, और जो भी आपका छूट गया है उसके लिए एक और बताती हूँ मैं कि वन शॉट यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स पे वन शॉट वीडियोस आती हैं, तो उनको देख लेना आप। ओके, जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब भी आप रिवीजन करो, तो वन शॉट वीडियो में क्या होता है, वो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कम्प्लीट करा देते हैं, तो एक दिन में आपका एक चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग करने में क्या होता है, समस्या आती है हमारे, अभी हम सोचते हैं कैसे शुरू करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में आपको पता है, हर जो भी आप काम करोगे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होनी है, तो ऐसे पढ़ाई है। बट आपको ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग की आपको समझ में नहीं आया तो आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, थोड़ी समस्याएं आएंगी, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगी। ओके, अब रियल मतलब क्या करना है, मोटिवेशन बनाए रखना है। ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग में मेरी ये वीडियो देखी तो मोटिवेशन बना रहे हैं अंदर, फिर एक दो दिन बाद वो मोटिवेशन गायब, एकदम है ही नहीं दिमाग में कुछ भी कि पढ़ना भी है हमें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपना जो मोटिवेशन है, जो भी आपने जितने भी मार्क्स स्कोर करने हैं, वो सब आपको एकदम दिमाग में रखना है। ओके, और सबसे पहले आपने क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिलेबस अपना जान लें, क्योंकि आपको पता है सिलेबस
चेंज हो गया है, मतलब उसमें चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हो गया है, तो वो जो टॉपिक्स या चैप्टर्स कम हुए हैं, हटे हैं, उनको आप जान लें, उनको एक कॉपी पर लिख लें, एक पेज पे, वो जहां आप टेबल पे पढ़ते हो टेबल के सामने दीवार पे आप लोग चिपका लें। ओके, हर और ये भी जान लें कि हर विषय में, मतलब हर सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप अपनी पूरी प्लानिंग कर लेना। ओके, अपने अकॉर्डिंग, ये प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बना के नहीं डाल सकती हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगी। चलो ओके, अब आपको ये भी देख लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, सब आपको चेक कर लेना है। और हर मतलब क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में ना एक सरल, मतलब कुछ एक नहीं, कुछ तीन चार सब्जेक्ट चैप्टर होते हैं वो एकदम इजी होते हैं। ये आपने देखा होगा कि मतलब किसी भी बुक में देख लो, कुछ ना कुछ चैप्टर तो जो तीन चार चैप्टर होंगे वो काफी ज्यादा इजी होंगे, जो कि एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे जो चैप्टर है ना उन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब जो टफ चैप्टर से आता है वो तो हमें आते नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। जो इजी चैप्टर से आता है ना उसको आप इतना अच्छे से कवर कर लीजिए कि एग्जाम में उसका कुछ भी आ जाए आप एकदम फोड़ के आए। ओके, अब एक कॉपी बनाइए, उस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखिए सब्जेक्ट वाइज, और क्वेश्चन लिखिए, और जो एक कॉपी ऐसी बनाइए जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं वो लिखिए। और डेली का आपको टारगेट बनाना है कि हमें डेली इतना पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो वो हमें कंप्लीट करनी है। ऑनलाइन क्लासेस हमें इतने दिन इतनी वीडियोस हमें कंप्लीट करनी है एक दिन में, ये आपको एक टारगेट बना लेना है। ये टारगेट आप खुद ही बना सकते हो। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात, आपको मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ना है, जरूर पढ़े आप मॉर्निंग में, मतलब जितना आप रात को पढ़ेंगे उससे, मतलब जितना टाइम आप रात को पढ़ेंगे उसका आधा टाइम अगर आप सुबह पढ़ेंगे ना तो इक्वल है दोनों चीजें। मतलब अगर रात को आप 2 घंटे पढ़े और सुबह 1 घंटा पढ़े तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल। मतलब सुबह का ना एकदम माइंड फ्रेश होता है तो उस टाइम हमें ज्यादा समझने आता है। ओके, और टाइम टेबल आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कुछ बच्चे यहाँ गांव के होंगे, कुछ बच्चे जॉब करते हैं, कुछ बच्चे मतलब कुछ भी, बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप सबकी लाइफ में होंगे। अब उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता आप क्या काम करते हैं किस टाइम पे, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना ले। ओके, और जब भी पढ़ने बैठे ना, बुक लेके पढ़ने बैठे, ऐसा ना करें कि बुक ने अभी बुक हमारे पास है नहीं तो अभी नहीं पढ़ने बैठेंगे, बुक आप ले लीजिए एनसीईआरटी बुक, क्योंकि उससे पेपर आता है। तो अब जब भी पढ़ने बैठे बुक लेके पढ़ने बैठे, क्योंकि क्या होता है अगर हमारे पास बुक नहीं होते तो हमारा ध्यान जो होता है वो इधर उधर भटकता रहता है। अब देखिए ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, पहली बात तो क्या करें, रटना बंद करें, कि कुछ बच्चे क्या होते हैं मैथ के जो सवाल होते हैं उनको रट लेते हैं, या फिर कोई बड़े बड़े जो आंसर होते हैं क्वेश्चंस के उनको रट लेते हैं, पर एग्जाम में जाने से पहले सब भूल जाते हैं, एकदम जो माइंड होता है वो एकदम साफ हो जाता है। अब फॉर्मूला की एक नोटबुक बनाए, उस पर ऊपर चैप्टर का नाम डालें और फिर उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिखें, ऐसे मतलब टॉपिक्स या फिर चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला लिखनी है। ओके, चैप्टर मतलब हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर उसके उस जो चैप्टर है उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करें उन क्वेश्चंस को। ओके, और कोचिंग स्कूल या फिर ऑनलाइन जो क्लासेस आप लेते हो तो उनमें जो टेस्ट होते हैं ना वीकली वो जरूर अटेंड करें, क्योंकि उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो मतलब पढ़ने की वो है, मतलब आप किस तरीके से पढ़ रहे हो ये आपको पता चलेगा कि आपका जो पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट सही आ भी रहा है या नहीं। और रिवीजन आपको ऐसे आपने वीक में इतना पढ़ा तो आपको सैटरडे संडे उसका रिवीजन करना है। और राइटिंग, हाँ राइटिंग पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है और कुछ की राइटिंग ऐसी होती है कि टीचर्स को कुछ समझ ही नहीं आता। तो उसमें क्या होता है, आंसर दोनों ने सेम लिखा बट लेकिन एक बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके कंपेरिजन,
कि जिसकी राइटिंग गंदी है, मतलब एकदम खराब है, अक्षर ही समझ नहीं आ रहे कि क्या लिखा हुआ है, तो टीचर क्यों दिमाग क्यों मारेगा टीचर? उसको क्या करना, उसको एक कॉपी चेक करने के 6 रुपए मिलते हैं उसको, तो वो क्यों, वो सोचेगा मेरी, मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर पाऊं जिससे कि मेरे ज्यादा नंबर ज्यादा पैसे बने, तो वो एक कॉपी ऐसा नहीं करेगा कि एक कॉपी को 1-1.5 घंटे लेके बैठा हुआ है, वो सिर्फ एक कॉपी को 5-10 मिनट देते हैं उसमें चेक करने के लिए। ओके, और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो आपने क्या करना, मतलब एक बात सोचो, मतलब आपसे 12वीं की पढ़ाई नहीं हो रही तो आप यूपी, कुछ बच्चे कहते हैं यूपीएससी करेंगे भाई, तो जब आप 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो यूपीएससी क्या खाक करोगे? तो अभी ये मौका है आपके पास, देखो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, मतलब जो भी है आपके पास उसके पास उसके लिए आप जान लगा दो जो आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर उसको जाने दो, बस मेरा तो यही करना है। अब ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को जिससे कि आपके जैसे काफी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो थैंक यू, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।